मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर रोड मैप तैयार करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया है। इसमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जितेंद्र सिंह शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 1 सितंबर को सोलापुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महाजनादेश यात्रा की समापन रैली में शिरकत करेंगे। देवेंद्र फडणवीस की यात्रा रविवार को सोलापुर जिले में खत्म होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर कश्मीरी घाटी में असंतोष की आवाज को कुचलने के लिए क्रूर ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने यह भी कहा कि देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की अगुवाई सेवानिवृत्त नौकरशाह कर रहे हैं, जो बस सरकार की हां में हां मिला रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच राजनीतिक गठबंधन की घोषणा इस साल लोकसभा चुनाव से पहले ही मुंबई में कर दी गई थी। बीजेपी और शिवसेना ने 2014 के राज्य विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़े थे, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान पर चल रहे 29 मुकदमों में जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आजम खान के खिलाफ जमीनी विवाद, लोक प्रतिनिधि अधिनियम और कई दूसरे मामलों में जिला अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। कश्मीर मुद्दे को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से उठाने की नाकाम कोशिश के बाद अब पाकिस्तान की जनता शुक्रवार को आधा घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन करने उतरेगी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल आसिफ गफूर ने बुधवार को कहा कि सरकार ने 30 अगस्त को दोपहर 12 बजे से कश्मीरी आवर का आयोजन करने का फैसला किया है। इस दौरान पाकिस्तान और कश्मीर का राष्ट्रगान बजाया जाएगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी जनता को संबोधित करते हुए इमरान खान ने अपील की थी कि पाकिस्तानी लोग कश्मीरी जनता के समर्थन में आए शुक्रवार को विरोध करें। अब इमरान की इस मुहिम में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी भी आ गए हैं। बिहार के वैशाली में एक ही परिवार के 13 लोगों पर एसिड अटैक किया गया है। दाऊदपुर गांव में बुधवार को कथित छेड़खानी का विरोध करने को लेकर दो समूह भिड़ गए थे। इसके बाद कुछ लोगों ने एक ही परिवार के 13 सदस्यों पर एसिड फेंक दिया है। इसमें 3 महिलाओं की हालत गंभीर है। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के फैसलों से पाकिस्तान बौखलाया है और लगातार धमकियां देकर खुद को संतावना दे रहा है। इमरान खान के एक मंत्री ने कहा कि सरकार भारत के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह बंद करने का विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी ने शुरू किया था, हम खत्म करेंगे। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपने विचार सामने रखते हैं। हाल ही में आमिर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर एक ट्वीट किया। आमिर ने इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने के प्रयासों की सराहना की थी।